नमस्कार, मैं हूँ विश्वेश तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऑनली न्यूज नेशन पर। राहुल गांधी जो अक्सर अपने बयानों से झलका देते हैं कि वह मुगल प्रेमी हैं, अक्सर उनकी पार्टी बयान देती आई है और अपने मुगलई प्रेम को झलकाती आई है। इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि देश पर हर चीज़ का सर्वोपरि हक अल्पसंख्यकों का है। ऐसे में आखिर क्यों गांधी परिवार लगातार इस देश की 130 करोड़ जनता के भावनाओं से खेलती है, उनको नीचा दिखाने पर कभी बाज नहीं आती। आज फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर कांग्रेस सांसद ने अपना मुगलई प्रेम दिखाते हुए बयान देते हुए हिंदुस्तान को मुगलों का जागीर बता दिया है। यहाँ तक कह दिया है कि हम उन्हीं मुगलों के वंशज हैं। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसे सोनिया और राहुल के आदेश पर अब्दुल ने इस देश में कांड कर दिया। गांधी परिवार के आदेशों पर कैसे एक सांसद इस देश को मुगलों की जागीर बता देता है। और यह सच्चाई है, यह सच्चाई है कांग्रेस की, उसके मुगलई सोच की। आज आपको ये तय करना है कि क्या सच में यह देश मुगलों की जागीर है, हम मुगलों के वंशज हैं। अब आप इस बात का निर्धारण कीजिए। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में इस सवाल का जवाब प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि कांग्रेस के मुगलई सोच की सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। यह पूरा बयान है अब्दुल का। अब्दुल ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा बरदार कर बनने की जद्दोजहद में अपनी जाहिलियत की नुमाइश कर डाली है। जाहिलियत भी ऐसी कि आपकी संवेदना झकझोर देगी। असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने मंगलवार को कहा कि उन्हें मुगलों पर गर्व है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को आकार दिया। खालिक ने मुगलों पर गर्व जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने छोटे राज्यों में बटे भारत को हिंदुस्तान नाम दिया है। आगे कहा कि मुझे मुगलों पर गर्व है, मैं मुगल नहीं हूं लेकिन उनका वंशज हूं। सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आपको मुगलों से इतनी नफरत है तो लाल किले पर तिरंगा फहराना भी तो ठीक नहीं है। मुगलों ने भारत में लाल किला और ताजमहल जैसे स्मारकों का निर्माण किया था और इसलिए देश में उनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब्दुल खालिक ने आगे कहा कि मुगलों का महत्व इस बात से पता चलता है कि देश का हर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराता रहा है। अब्दुल खालिक यहीं तक नहीं रुके। अब्दुल खालिक ने आगे भी मुगलों के तारीफों के पुल बांध दिए, जिसके बाद अब इनके इस बयान का सोशल मीडिया पर जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। जब अब्दुल खालिक से मुगलों के असम पर हमला करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुगलों ने असम पर हमला किया था लेकिन यह सब व्यक्तिगत नहीं था। उस वक्त पूरे देश में उनकी हुकूमत थी, वो उस समय के राजा थे और राजा होने के नाते उन्होंने असम पर हमला किया था। अब्दुल खालिक ने यह भी कहा कि होम सेना ने मुगलों को बार बार पराजित किया था लेकिन उस समय असम की अपनी एक अलग रियासत थी और भारत एक अलग राष्ट्र था। वो विवाद मुगल और अहोम सेना के बीच नहीं था, वो विवाद भारत और असम के बीच था। आज असम भारत का हिस्सा है, आज के हालात बिल्कुल अलग है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 10 विधानसभा सीटों से 7 अहोम साम्राज्य का हिस्सा थी जबकि 3 उस समय कोच साम्राज्य थे। उन्होंने कहा कि सरायघाट की लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नहीं बल्कि हिंदुस्तान के राजा और अहोम वंशज के बीच की लड़ाई थी। खालिक का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मुगल काल के कई स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को आधिकारिक तौर पर 2018 में प्रयागराज नाम दिया गया था। इसके अलावा मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई को बताया था मानवाधिकार का उल्लंघन। अब्दुल खालिक का यह बयान चौंकाने वाला नहीं। अब्दुल खालिक अक्सर ही ऐसे कदम उठाते रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि ये मुगलों की तारीफ में ये मुगलों के ही वंशज रहे हैं। इन्होंने मुगल सल्तनत के चक्कर में असम के हालात भी वैसे ही कर दिए थे। बता दें कि जब असम में इस साल मई में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, नगांव में स्थानीय व्यक्ति की कथित तौर पर हिरासत में मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा था।
उपद्रवियों ने ढींग क्षेत्र में बटाद्रवा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की और उपद्रव में शामिल लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया था। बरपेटा के कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने ही बुलडोजर चलाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमलावरों के घरों पर बुलडोजर चलाना सीधे तौर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में वो ये बताना भूल गए कि जो इन हमलावरों ने किया था ये किस उल्लंघन में आता है, क्या ये मानव अधिकार के उल्लंघन में नहीं आता है। हिमंत बिस्वा शर्मा पर दर्ज कराई FIR। वहीं कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने दिसंबर 2021 में अचानक चर्चा बटोर ली। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ दिसपुर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा पर मुसलमानों के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। यह FIR कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की गई थी। तो देखा ना आपने, कांग्रेस के नेता अब्दुल खालिक का यह बयान है जो कि अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब उनके बयान का वीडियो वायरल हो रहा है तो लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उसे अगर कांग्रेस नेता ने अपनी आंखों से देख लिया तो उन्हें खुद बड़ी शर्म आएगी। लोगों ने अनेक तरीके के प्रतिक्रिया दी है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि भारतीय संविधान किसी भी मसले पर आपको बेबाकी से अपनी राय जाहिर करने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी मसले पर अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो जाएंगे। और आप ऐसा करके क्या साबित कर देना चाहते हैं, यही क्या आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के झंडा बरदार हैं? अरे नहीं साहब, कतई नहीं, बल्कि आप तो ऐसा करके अपनी विकृत मानसिकता की नुमाइश कर रहे हैं। और वैसे भी कांग्रेस के जो इस वक्त हालात देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस एक समय में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और आज के समय में कांग्रेस अपनी नींव बचाने में लगी हुई है, ऐसे में कांग्रेस के ये हालात ये कहने में गलत नहीं होगा कि आप जैसे लोगों की वजह से बने। और वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे आगे रहते हैं, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो विदेश में हैं और उनके विदेश में रहते उनके सांसद, उनके नेता खुले सांड की तरह घूमते हैं और जो मन में आए वो बोलते हैं, हिंदुस्तान को मुगलों की विरासत बना देते हैं। वो समय दूर नहीं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो हिंदुस्तान को मुगलों को दे भी देगी। ऐसे में बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के असली चेहरे से पर्दा उठे, और ये काम खुद कांग्रेस के ही सांसद कर रहे हैं, इनके बयान कर रहे हैं। आपने इनके बयान को सुना, अब आप बताइए कांग्रेस के इन हालातों का जिम्मेदार कौन है, क्या विपक्ष या फिर कांग्रेस के खुद या सांसद? इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेगा ताकि कांग्रेस की सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इस सांसद का बयान ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। ऐसे ही खबरों के लिए बने रही हमारे साथ ओनली न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।